बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। जी नेक्स्ट कॉलर आप लाइन पर हैं, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए कौन सा बात कर। वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार कराची से बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उम्र से वापस आ गया हूँ और आपकी दुआओं की बरकत से अल्लाह का शुक्र है कि आपके हम जुल्फ के साथ अल्लाह ने जोड़ दिया हाफिज अब्दुल लतीफ साहब और उनके मुफ्ती जकरिया साहब माशाल्लाह से, और बहुत अच्छा सफर रहा आपकी दुआओं की बरकत से। बस और सब खैरियत है, बस ये दुआओं की दरख्वास्त है। और ये आमाल जो कर रहे हैं ना, वो तस्बीहात किस तरह से हो जाती है हमारी, वो एक हफ्ता सारी करता रहता हूँ एक के बाद एक, मैंने उसको एक तरतीब नहीं बन पा रही हमारी, क्योंकि सारे काम में रहते हैं तो कभी 500 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वो सारे जो आपके वज़ाइफ़ों तकरीबन तकरीबन पूरे कर रहा हूँ। और बस दुआओं की दरख्वास्त है आपसे, ये इतना कहना था। बहुत शुक्रिया कॉल करने का हज़रत से इसका सवाल। माशाल्लाह माशाल्लाह अब्दुल उस्ताद साहब कराची से कॉल कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह आपका सफर मुबारक का रहा और माशाल्लाह हमारे अजीज़ों के साथ भाई अब्दुल लतीफ़ साहब के साथ माशाल्लाह आपका सफ़र रहा, मुफ्ती जकरिया के साथ। अल्लाह तबारक व ताला इन सोबत रफाक़तों को जो कबूल मंजूर फरमाए और ज़ाहरी बात इन दौलतों से माला माल फरमाए। बाकी जो तस्बीहात का जो मामूल है उस मामूल की पाबंदी की कोशिश करें और कोशिश करें कि वो अपने वक्त पर जो मुकम्मल होता रहे। हाँ, कभी जो है वन सवाल कमी बेशी हो गई या कोई तस्बीह आगे पीछे होगी, सुबह नहीं पढ़ सकते दोपहर में पढ़ ली, वो अलग बात है, लेकिन ये मोस्ट ऑफ़ द टाइम कोशिश करें कि अपने ये मामूलात मुकम्मल होते रहें। इसलिए कि मेरे दादा पीर कुतुबुल आलम हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदिलवी मुहाजिर मदनी कुद्दी से शुरू फरमाते हैं कि मामूलात की पाबंदी कामयाबी की कुंजी है। तो कह के मामूलात की जो पाबंदी है कामयाबी की कुंजी है। पीर मुर्शिद जो मामूलात दे देता है बस उसकी पाबंदी लाजिम, दीगर वज़ाइफ़ दीगर जो अज़कार दीगर नवाफिल करते रहें, लेकिन ये मामूलात जो है ये बहुत बड़ी जो एक राज होता है, क्योंकि ये वो मेन निसाब है जिससे आपको तरक्की होनी है, उसकी पाबंदी से इंशाल्लाह आपको तरक्की नसीब होगी। मैं भी इस्तेकामत की दुआ करता हूँ। आमीन आमीन।